سلام تکالی. پانی بلو بیبی. پانی. बड़ी सुखी लग रही हो साय. सायन सालन बहुत अच्छा पका है. बड़ी सायन ने खुद पकाया है. मेहरू खाने को छोड़ दिया. खाओ बेटा. शहर से घूम आई. डॉक्टर ने क्या कहा? अच्छा तुम खाना खाओ, मैं चली जाती हूँ. खाओ शाबाश. साइन खाना खा ले. नहीं खाओगी? ले जाओ साइन, ले जाओ. बड़ा शौक था तुमको उसे डॉक्टर के पास लेके जाने का. बवसी कोई बुरा तो नहीं किया ना मैंने? चला है हमसे तारीख ज्योग्राफी पूछने. हिस्ट्री बताओ, हिस्ट्री बताओ. जैसे हिस्ट्री के बगैर इलाज होता ही नहीं. डॉक्टर को मरीज के मुतालिक कुछ तो बताना ही पड़ता है ना. मरीज के मुतालिक नहीं, वो मेरे मुतालिक, हमारे मुतालिक पूछ रहा था. वो अंदर का माहौल कैसा है, बाहर का माहौल कैसा है, क्या खाती है, क्या पीती है. डॉक्टर फिरोजदीन इस मुल्क का बहुत बड़ा साइकियाट्रिस्ट माना जाता है. अब ये मुझे तुम बताओगी. वो मेरा जानने वाला है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ. तो फिर आपको ये बातें बुरी क्यों लगती हैं? देखिए ना, डॉक्टर और वकील से कोई बात छुपाई तो नहीं जाती. अच्छा तो क्या उसे बता देना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है. आखिर उसे कुछ तो बताना पड़ेगा कि मैं हूं शौक में क्यों है. जितना बताना था मैं उसे बता चुका हूं. क्या बंसी? यही कि उसकी एक खास नौकरानी थी जो जो मर गई है और शायद जहन पर उसी का असर है. अच्छा ठीक है, तो मैं भी यही कहूंगा. नहीं, अब हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कभी नहीं. क्यों बाबा जी? हम उसकी उल्टी सीधी बातों का जवाब नहीं दे सकते. ठीक है, तो फिर मैं चला जाऊंगा. अच्छा
तुम क्या रईसजादे नहीं हो? अरे हवेली का अहवाल तुम बताओ या मैं बताऊं, बात तो एक ही हुई ना। अब क्या उसे घर की बातें बताने बैठ जाओगे? जरा भी ख्याल नहीं होता तुमको, तुम रईस हैदर बख्श खान के बेटे हो। पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। इतने में लाइलाज कैसे होगी? किस मुए डॉक्टर को दिखाया था आपने? शहर में हजारों डॉक्टर हैं। इसे दूसरे को दिखाओ, इसी डॉक्टर को घर बुला लो। आप रईस हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। मुझसे तो वो ऐसे डरने लगी है जैसे वैसे मैं उसे मार दूंगा। वो पीर साहब, उनकी बेटी का दिमाग चल गया था। सुना है शादी के बाद ठीक हो गई। और वो सारा है ना अपने कमदार की बेटी, उस पर जिन्नात का असर था। आए दिन बाल खोले झूमती रहती थी। वो भी शादी के बाद ठीक हो गई। अगर शादी के बाद भी ठीक ना हुई तो क्या, कम से कम बदनामी से तो बचेंगे। मगर किससे? जिसे भी झोलियां भर के नोट दोगे वो राजी हो जाए। साईं, अब जल्दी कुछ करो। Thank you.
हाँ फिर उसने कोई रजामंदी जाहिर नहीं की। क्या मतलब? तो उसे मतलब ये कि अपने मुंह से अपनी बहन के रिश्ते के बारे में बात करते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, पर फिर भी मैंने इधर उधर की बात निकाल के कह दिया। इधर उधर की क्यों? दो टोक बात करनी थी, बीवी है वो तुम्हारी। अम्मा दो टोक ही बात की थी और उसने भी दो टोक ही जवाब दिया। उसका भाई शादी नहीं करेगा। सुना सुना आपने, आपका बेटा गाली खा के सर झुका के बैठ गया। गाली? ये गाली नहीं है तो और क्या है? अपने मुंह से अपनी बहन का रिश्ता जोड़ा है तुमने उसके भाई के साथ। मर्द के लिए इससे बढ़कर भी कोई गाली होती है क्या? सही, रिश्तों की बातें तो होती रहती है। रिश्तों की बातें लड़के वाले करते हैं, लड़की वाले नहीं करते। अपने मुंह से बात निकालिए तो उसको पूरा करके दिखाओ। बहन के नाम पर, रईस हैदर बख्श खान की बेटी के नाम पर गाली खाकर बैठ गए। उसकी ये हिम्मत इसलिए हुई कि ये शादी तुम्हारी पसंद की है। तुम्हें तो पढ़ी लिखी बीवी चाहिए थी। आज अगर कोई खानदान की बेटी होती तो उसकी बजालती के जवाब देती। अरे हम कौन सा अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत कर रहे थे? उसको इतना कुछ देते कि उस छोकरे ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। ठीक है, मैं तो आप उससे खुद ही बात कर लीजिए। नहीं, तुम बात करोगे। पढ़ाने लिखाने का मतलब ये नहीं है कि बीवी के आगे जन मुरीद बनकर बैठ जाओ। रईसों की औलाद हो तुम, रईसों की तरह बात मनवाना सीखो, चाहे उसके लिए तुम्हें आखिरी कदम ही क्यों ना उठाना पड़े। तुमसे एक बात कही थी मैंने, उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। मैं सब जानती हूँ, सब पता है मुझे कि तुम लोगों के जहनों में क्या कुछ पल रहा है। अम्मा के तेवर भी कुछ बदले बदले से लग रहे हैं मुझे, वो भी मुझसे कुछ मनवाना चाह रही है। ऊंचा मत बोल। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या करूं? तुम सब कुछ कर सकती हो, मनाओ अपने भाई को। मैं कैसे मनाऊं अपने भाई को? और जानते बूझते मैं इस आग में अपने भाई को धकेलूं? आग है ये? आग नहीं तो और क्या है? तुम्हें तो सब पता है कि सरासर नाइंसाफी है। मुझे लगता है कि तुम पर भी दबाव डाला जा रहा है, मजबूर कर रहा है कोई तुम्हें। नहीं, मुझे कोई मजबूर नहीं कर रहा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उस खानदान की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि घर की बात घर में रहे। तुम्हारे खानदान की भलाई हो और मेरा खानदान चाहे बर्बाद हो जाए। क्या इस खानदान को बचाना तुम्हारा फर्ज नहीं है? तुम एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकती हो? छोटी सी कुर्बानी? ये छोटी सी कुर्बानी है? और इस कुर्बानी के लिए तुम्हें सिर्फ मेरा ही भाई नजर आया? तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम अपने भाई से बात करके तो देखो। क्या बात करूं अपने भाई से जबकि मैं सब कुछ जानती हूं? खबरदार, एक बात भी तुम्हारे मुंह से नहीं।
तरु, मैंने जो बात तुमसे कही है वो सिर्फ बात नहीं है बल्कि बहुत बड़ी गाली है इस खानदान के ऊपर। अब ये गाली वापस नहीं हो सकती। ये क्या है? इस कागज पर दो बातें लिखी, या तो तुम्हारे भाई की जिंदगी संवर जाएगी या फिर तुम बेघर होकर रह जाओगे। तुम कब आए? अच्छा, मामा के पास। तुम कैसे हो ना? बस अभी ठीक बिल्कुल। ये तो बहुत शरारती हो गया। अदा, तुम्हारी उस तेल की मशीन का क्या बना? बस अभी लगे हुए, थोड़े पैसे वैसे जमा हो जाए फिर देखेंगे क्या करना। अभी क्या देख रही हो कमरे को? सब कुछ वैसा ही है, कुछ बदला तो नहीं मैंने। ये तो मैं देख रही हूँ कि कमरा भी वही, तुम भी वही हो। अदा, तुम अपने इस कमरे की किस्मत बदल क्यों नहीं देते? एक से दो हो जाओगे तुम लोग। तुम हंस रहे हो अदा। अदा, आखिर कब तक तुम कमारे फिरते रहोगे? पता है, मैं अम्मा से भी यही बात कर रही थी। अरे दावा कर दूंगा, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। लेकिन अदा, कब? बस कब करोगे? जल्दी कर दूंगा। नहीं अदा, मुझे अभी बताओ कब। तुम तो ऐसे इसरार कर रही हो जैसे कोई लड़की देखी है। अदा, अच्छा बताओ तो सही, कौन है? मेहरू निसा, उनकी बहन। मेहरू? अदा यासीन की बहन। हाँ अदा। अच्छा, कैसी है? तुम्हें किसी ने कहा है क्या? अदा, मैं जो कह रही हूँ वो सुना है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, अम्मा कह रही थी। वैसे कैसी है? अच्छी है अदा। नहीं, मेरा मतलब है तबीयत मिजाज की कैसी है? मैंने कहा ना था, अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे तुम्हें उसी के लायक हो। अदी, क्या हुआ तुम्हें? अदी, किसी से लड़ाई हुई है? बताओ तो सही। अदी, रोते नहीं। अदा, बस तुम हाँ कर दो ना। पूरी बात बताओ, मामला क्या है? तुम पे किसी ने जोर डाला है क्या? मेरे को वाकई कुछ हुआ? कब? कैसे? अदा, पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक पता नहीं। मेरे कपड़े भी तो, और रिबन कैसे है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, और इसको भी तुमने तैयार नहीं किया। देखो, देर हो जाएगी। नहीं होती देर, हो जाएगी ना। तो कहा ना, देर नहीं होगी। तुम्हें पता है, ये जो गांव की औरतें हैं ना, ये सारा काम काज खत्म करके सबको खाना खिला के फिर बेचारियां निकलती हैं। पगली, सब कोई तेरी तरह रही जातियां थोड़ी होती। हाँ, उनके घर में मेहंदी है आज और शमा ना चाहेंगे। अब इतनी देर से जाएंगे तो क्या मजा आएगा? तौबा तौबा, कितनी बेसब्री हो रही है ये लड़की। अब इसको भी तो तैयार नहीं किया ना तुमने। अदी मेहरू,
बाबा सिंह बुला रहे। बाबा सिंह क्यों बुला रहे? गुस्से में है क्या? पता नहीं। आ जाओ, मेरे बेटे को तैयार करो। ठीक है, जल्दी 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 मामा तैयार करो। आ जाओ बेटो। सलाम अलैकुम बाबा सिंह। मेरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें लेके आया। ये वाले नहीं बाबा साईं। तो मैंने आपको दिखाया तो था जो टीवी पे आते हैं, टीवी वाले चाहिए बाबा साईं। बेटा और भी है ना, तुम खोलो तो सही पैकेट। शाबाश। हाँ ये वाले, ये वाला था। अच्छा है ना अम्मा? बहुत अच्छा है। टीवी पे आते हैं। ठहरो 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 बेटा, ये क्या देख रहा हूँ? किस खुशी में बेटा? वो इसे मेहंदी में जाना है आज। मेहंदी? किसकी मेहंदी है? शेर अली खान के बेटे की शादी है ना, बड़ी मिन्नतें करके गई है। मुझे बताया तक नहीं, किससे पूछा बेटा? बाबा साईं, आप मुझे शहर तो लेकर जाते नहीं है, यहाँ तो जाने दे। बेटा मेरू, तुम अपनी अम्मा से पूछो, कभी ये शहर गई? भाजाई के साथ जा रही है, जल्दी आ जाएंगी। जाने दे। मोड़ में दी थालिये में आंकड़े पे ये चाँद, मोड़ में दी थालिये में आंकड़े पे ये चाँद, लाड लो इन दो आज में आन चंदी ये चाँद, लाड लो इन दो सेज में आन चंदी ये चाँद, लोग मोटा थालिये में आंकड़े। इधर आए इस तरफ। दियो मेरा कैसे आए हैं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुबारक हो, मुबारक हो। ओई तव गो थालिये में आंकड़े पे ये चाल, ई तव गो थालिये में आंकड़े पे ये चाल, लाडो ई दो अग में आउन चंदी ये चाल, लाडो ई दो सेज ते आउन चंदी ये चाल, ई तव गो थालिये में आंकड़े पे ये चाल, ई तव गो थालिये में आंकड़े पे ये चाल, लोग कोटा थालिये में आंकड़े पे ये चाल, लाडो ई दो अग में। एक मिनट रुको, भला ढोल के बगैर क्या मजा आएगा शम्मा नचाने का? हाँ दी, हमारे तो हाथ ही थक गए हैं तालियां बजा बजा के। ढोलक नहीं है तो बाहर से किसी ढोल वाले को बुला। किधर गई दुल्हा की अम्मा? इधर होगी, इधर होगी। बच्चों ने ढोलक फाड़ दी सहरे वालों की। अरे दी छयो। अरे बाबा जाओ बाहर से ढोल वाले को बुलाओ, चलो जल्दी जाओ जल्दी जाओ। वो बज नगारा बजे, वो बज नगारा बजे, शाही नौबते बजे, बज नगारा बजे, शाही नौबते बजे, मेरे दूल्हे काला सदा दूल्हे बजे, मेरे दूल्हे काला सदा दूल्हे बजे, बज नगारा बजे, शाही नौबते बजे, बज नगारा बजे, शाही नौबते बजे, मेरे दूल्हे काला सदा दूल्हे बजे, मेरे दूल्हे सद्दको मन्ना। चलो शुरू हो जाओ, आ गया दूल्हे का मामू, चलो गाने का।
नीचे करो चलो। सावल बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, ठीक है, हवेली की तरफ नहीं आया करो। जी बीबी, वो कल मेहंदी में जो ढोल बजा रहा था, चाची फकीरे का बेटा है ना, वो जो हमारे साथ बचपन में खेलता था। हाँ सावल, वो फकीरे का बेटा नहीं है, पोता। क्यों? नहीं ऐसी, बड़ा हो गया है ना। तुम भी तो बड़ी हो गई हो बीबी। क्या करता है? वही अपने बाप दादा का काम, और बेचारा क्या करेगा। पर बीबी, जो सावल की आवाज है, ढोल बजाते देखा है तुमने, उसे गाते हुए नहीं सुना? पहले तो नहीं गाता था नूरी। बचपन की बात और है बीबी, जैसी सावल को खुदा ने सूरत दी है वैसी ही आवाज, और शौक भी उसे कितना है, कहता है टीवी में जाऊंगा। तूने गाते सुने ऐसे? हाँ बीबी, हम तो रोज सुनते हैं। उस दिन भी जोगी के साथ हमारे घर आया था और देर तक काफियां सुनाता रहा, और बेचारे को शौक भी कितना है, कहता है टीवी में गाऊंगा। पर बेचारे को कोई लेकर भी जाए ना, पढ़ने का भी शौक है, पंच जमात पास भी है, ईमान से ऐसा सोना लगेगा टीवी में, आंखें ऐसी हैं मशन। नूरी, मैं उसका गाना सुनना चाहती हूँ। कैसे सुनोगी? क्यों, कहाँ सुनोगी बीबी? क्या वो यहाँ आकर सुनाएगा तुम्हें? नूरी, तू कुछ नहीं कर सकती। क्या करूँ सायण, जो कहो। कह तो रही हूँ, गाना सुनना है मुझे, उसका गाना सुनवा। भले सुनो, हजार दफा सुनो, पर कैसे सुनोगी? हम गरीबों के घर तो तुम रईस लोग आने से रहे, और फिर एक मर्द के सामने तुम कैसे आओगी? क्यों? तोबा तोबा कर सायण, नहीं करो ऐसी बातें। हाँ तू भी ना नूरी, बस बकबक करती है, कभी तू मेरा कोई काम नहीं करती। मेरो बेटा, क्यों मार रही हो अपने बाबा को? अरे बेटा, तुम्हारे बाबा का कसूर क्या है, ये तो बता दो। मार नहीं रही बाबा, सही ढोल बजा रही हूँ, ढोल। अच्छा, तो आज तुम्हारा तोता नहीं बोल रहा है क्या?
बोल बोल रहा है बाबा सही। अब तुम बच्ची नहीं हो, ऐसी हरकतें मत किया करो। साईं, आप इसे इतना सर पे मत चढ़ाएं, लड़की जात है। और मेरू, बाप से इतने चोचले मत किया करो, कुछ ख्याल करो। बाबा साईं। मेरा बच्चा। अच्छा बेटा, हाँ बाबा, ये वसाई को दे, बोल मक्खन संभाल बाबा। हाँ अच्छा बाबा। हाँ हेलो, चाचा फकीर। हाँ, मैंने कल चावल को देखा था, मेहंदी में ढोल बजा रहा था। हाँ बाबा, उसको कौन ना मुझे भी ढोल बजाना सिखाए। हाँ आओ अदी, आओ, क्या हाल है तुम्हारे? अदा मैं ठीक हूँ। मासी घर पर नहीं है क्या? हाँ अम्मा, मासी बचा के घर गई है, कोई काम है क्या? नहीं, खैर। अदा आजकल तुम हमारे घर नहीं आ रहे हो। अभी उसी दिन तो आया था मैं। उसी दिन को भी तो 2 दिन हो गए। पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्यों आई हो? तुम्हारा गाना भरने आई हूँ। इसमें गाना भरने? पता नहीं इसको कैसे बताया था। किसने बताया था? इस मुहे में तेरी आवाज भरनी है। क्या बताया था, किसने बताया था ये? अद्दी मेरू ने कहा है कि इसमें गाना भर के दो, वो सुनेगी। तुम्हें उस दिन शादी में ढोल बजाते देखा था ना उसने। तुम गाओ गाना तो इसमें भरू। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर बेखदा रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल कर बेखदा रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर बेखदा रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, अदी मेरू दिल कर। आखिर कितनी बार सुनोगी, और गाने पसंद नहीं आए क्या? मैंने तो ऐसी ही तारीफ कर दी थी। क्या हुआ दी मेरे? बोले मेरा बेटा, वाह, अरे वाह 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 वाह, फूले फूले। हाँ मेरू जी। बाबा सही, क्या बात है बेटा, बाबा से नाराज हो? नहीं बाबा सही, नहीं तो। फिर बेटा वो आज तुम्हारा तोता क्यों नहीं बोल रहा? बाबा सही। अच्छा बेटा, इसे इसकी अम्मा के पास ले जाओ बेटा। जी बाबा सही। अच्छा बाबा, जा जा बेटा जा। ओ देखो देखो क्या है, देखो। कज़बानू जी,
हमारी बेटी मेहरू आजकल कुछ खामोश खामोश रहने लगी है। वो तुमने उस दिन डांटा था ना उसको, ये क्या बात हुई? और फिर मैंने उसे ऐसा क्या कह दिया था? क्या खबर? नहीं, ऐसे ही खामोश है, भला सारा दिन उछलती कूदती फिरे क्या घर में? ठीक है। अब क्या सोच रही है तू? ऐसे कैसे हो सकता है बीबी? क्यों नहीं हो सकता? मुझे लग रहा है तुम्हें हिसाब हो गया है। कैसा हिसाब? साया हो गया है, असर पड़ गया है तेरे पे। क्यों, मैं उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ क्या? और क्या सायण, कहाँ वो मंगनहार और कहाँ तुम रईस साथी? तो मैं तुझे क्या कह रही हूँ, तू क्या समझ रही है? नहीं नहीं बेबी, मैं कोई गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं तो बस कह रही हूँ। देख नूरी, मेरी बात नहीं टाल, मैं उसे सिर्फ एक दफा देखना चाहती हूँ, सिर्फ एक दफा। अति मेहरू, तुम मुझे मरवाओगी। कौन मारेगा तुझे? रईस मेरी फूटियां करके कुत्तों को डाल देगा। अति मेहरू नाराज ना हो, कैसे देखोगी, कहाँ देखोगी? मैंने तुझसे कहा था ना, मैं उसे दूर से देखूंगी। तो बस है, मेरा तो दिल बैठ रहा है। नहीं नहीं बीबी, मैं तो सोचते हुए भी कांप रही हूँ, किसी ने देख लिया तो? तू मेरे तसा भी काम नहीं कर सकती है ना नूरी। अति मेहरू नाराज ना हो, सारी उम्र तेरी खिदमत की है, तेरे लिए ये जान भी हाजिर है। लायक लाल लतीफ चाहिए सिर सैयद घोर जाए सोड़ल खोर जाए महरूप वही मुना मोड़ जा। अरे बाबा, ये गुमसुम क्यों बैठा है बाबा? खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। हाँ बाबा, खाता हूँ। आह अल्लाह लगी और जाए सोड़ लाय और जाए। कहाँ जा रहे हो बाबा? कहाँ जाना है बाबा? हवेली, जहाँ रोज जाके सुबह शाम सलाम करना पड़ता है बेटा। आह अल्लाह लगी और हवेली में दोपहर को सब सो जाते हैं, बाहर कोई भी नहीं होता। हवेली में दोपहर को सब सो जाते हैं, बाहर कोई भी नहीं होता। Thank you.
हाँ बाबा, दोनों लाशों की शनाख्त हो गई? जी, शनाख्त हो गई है। बस तो फिर जोगी का बयान लिखो। से इस पर तो पूरा मुशीरनामा लिखना होगा। हाँ तो बाबा लिखो ना, मना किसने किया है तुमको, लिखो। ईसा जी बता। याकूबा जी बता। बाबा सुबेदार साहब मुशीरनामा तैयार कर ले तो तुम दोनों इस पर दस्तखत कर देना गवाहों के तौर पर। बहुत अच्छा। हाँ, अब जोगी का बयान लिखो। हाँ बाबा जोगी, बहुत सुबेदार साहब को बताओ आज वाकया कैसे हुआ। साईं, साईं, मेरी बीवी के तालुकात थे सामल के साथ। हाँ बोलो बोलो बोलो। ये तालुकात कब से थे? सुबेदार साहब, इस बेचारे को क्या पता कि तालुकात कब से थे। इससे पहले इनके तालुकात के बारे में तुम्हें कोई शक था? हाँ सही था। तो सुबेदार साहब, ये वकीलों वाले सवाल जवाब बाद में कर लेना, पहले इसका पूरा बयान लिख लो। हाँ बाबा बोलो। हाँ सही, मुझे उन पर शक था। सावल मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए आता था और मेरी बीवी से हंस हंस कर बातें करता था। एक दो दफा मेरी गैर मौजूदगी में आया था। नूरी कहती थी तुझसे मिलने के लिए आया है। और आज मैंने उनको आज अरे बाबा रुक क्यों गए हो जोगी? वही इज्जत का मामला है, तुमने जो कुछ भी किया है गैरत में आकर किया है। हाँ सही जी जी। तुम्हारे घर को कुछ नहीं होने दूंगा दी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो, नहीं, मुझे नहीं मारो।
डरो नहीं मुझसे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। देखो मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। देखो नहीं, नहीं। डरो नहीं मुझसे, मत डरो मुझसे, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। देखो मैं तुम्हें शहर लेके जाऊंगा, वहां तुम्हारा इलाज होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बोलो चलोगी ना मेरे साथ शहर? हाँ मुझ पर यकीन करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। शहर में तुम्हारा इलाज होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिर तुम खुली और आजाद फिजा में घूम सकोगी। हाँ ठीक है ना?